अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू आसमास किचन में आप सबका स्वागत है फिर से एक बार। अरे अर्षा, आप कुछ तो बोलिए, क्या हुआ आपको? हाँ, मुझे बहुत ठंडी लग रही है। वहाँ देख कर बोलिए। मम्मा, मुझे आज बहुत ठंडी लग रही है। बारिश अच्छा? का भी सीजन आ गया। अच्छा, और मुझे कुछ गर्मा गर्म पकौड़े बना के दीजिए ना। अच्छा, तो चलिए, कौन से पकौड़े खाएंगे आप? प्याज के पकौड़े। अच्छा, तो चलिए, तो चलिए दोस्तों, आज अर्शिया की हर बार की तरह इस बार भी अर्शिया की फरमाइश पर हम लोग पकौड़े बनाएंगे। तो झटपट से हमारी रेसिपी नोट करने के लिए तैयार हो जाइएगा। तो चलिए झटपट से इंग्रेडिएंट्स रेडी करते हैं और मैं आपको बताती हूँ ये सब क्या क्या है और इसमें क्या क्या लग सकता है। देखिए, ये मेरे पास चने का आटा है बाउल में, ये कांदा मैंने बारीक स्लाइसेस कर लिया हूँ, करी पत्ता है, हरिया धनिया है, ये चने का आटा है जो मैं घर में ही पीसती हूँ, फ्रेश रहता है वो, और ये साबुत खड़े मसाले जो पाउडर हैं वो अब ले लेंगे हम। मैं दिखाती हूँ आपको, ये सभी चीज़ें इसमें लगती हैं। ये है हल्दी, नमक, मिर्ची, धनिया, सोडा, बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा कुछ भी, हल्दी, धनिया, ये तो ज़ीरा है नॉर्मल सी, ये शाह ज़ीरा और कलौंजी है। अभी हम सब चीज़ों को एक बाउल में ले लेंगे। पहले मैं गैस ऑन कर देती हूँ। बिस्मिल्लाह, गैस को ऑन कर दिया मैंने। अभी तेल अच्छे से गर्म होने देती हूँ। तब तक, तेल गर्म होने तक हम लोग एक बाउल में ये सारे चीज़ों को ऐड कर लेंगे। मैं पहले अब इसमें प्याज ले लूँगी जो स्लाइसेस करके रखी हूँ। ये सारी प्याज को आप डाल दीजिएगा एक साथ। देखिए, मैंने सारी प्याज को डाल दी हूँ। अभी हम इसमें करी पत्ते को बारीक स्लाइसेस, सॉरी, करी पत्ते को चॉप कर लेंगे, बारीक बारीक सा काट लेंगे हम इसको। अच्छी तरीके से आप काट लीजिए इसको। देखिए, आप चाहे तो इससे भी ज़्यादा करी पत्ता डाल सकते हैं, मैं तो इतना डालती हूँ, टेस्ट बहुत अच्छा रहता है करी पत्ता डालने से। देखिए, बारीक सा काट लीजिए करी पत्ते को। अभी हम इसमें सारे सूखे मसाले, सभी कुछ हैं, सबको मिलाकर डाल देंगे। देखिए, सब चीज़ें मैंने डाल दी हूँ। अभी ये लहसुन का पेस्ट है, आखिर में ये लहसुन का पेस्ट मैंने ऐड कर दी हूँ। सब कुछ ऐड कर दिया मैंने। तो प्याज के साथ अच्छे से आप उस साबुत मसालों को मिक्स कर लीजिएगा। देखिए, मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ इसको। देखिए, इसका रंग देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। अच्छे से मिला लीजिए। आपको ये मेरा लेफ्ट हैंड दिखाई दे रहा है क्योंकि ये फ्रंट कैमरा है, इसके लिए ये लेफ्ट हैंड दिखाई दे रहा है। जी हाँ, मैं बिल्कुल लेफ्ट हैंड नहीं हूँ। देखिए, मैंने अभी चॉप कोरिएंडर यानी हरे धनिए को भी डाल दी हूँ। अब फिर मैं इसमें मिक्स कर लूँगी उसको भी अच्छी तरीके से। अभी हम चने का आटा ले लेंगे। तो ये देखिए, चने का आटा मैं तीन हिस्से करके डाल रही हूँ इसमें। देखिए, थ्री पार्ट्स मैंने डाला है। आप भी इसी तरह से एक साथ पूरा मत गिराइएगा, उसमें थोड़ा थोड़ा करके डाल दीजिएगा। तो देखिए, सूखा ही मैं इसमें मिक्स करी, मैंने पानी अब तक इसमें ऐड नहीं किया है। पानी आप बिल्कुल भी नहीं ऐड करना। अभी अच्छी तरीके से आटे को और प्याज को मिक्स कर लीजिए। देखिए कितना अच्छी तरीके से मिक्स हो रहा है। भी ये बिल्कुल बाज़ार में मिलने वाले पकोड़े मिलेंगे ना आपको, ये उसी तरह के रहेंगे। तो देखिए, अगर आप इसको फ्राई करने के बाद ये एक महीने तक आप स्टोर कीजिए फ्रिज में, कुछ नहीं होंगे। बाहर 15 दिन तक भी एक कंटेनर में रख दीजिए, एयर टाइट कंटेनर में, बहुत टेस्टी और बहुत स्वादिष्ट और फ्रेश ही रहेंगे क्योंकि हम इसमें
पानी में मिक्स नहीं कर रहे हैं हम, और जब भी पानी में मिक्स करेंगे वो भजिया टाइप हो जाएगा, ऑनियन भजिया बन जाएंगी वो, प्याज की भजिए। मगर इस तरह से आप बनाइए, देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, ना थिक है ना ही लिक्विडी है, और ना इसका मॉइस्चर देखिए आप। और फिर ये फोर्थ पार्ट मैं पूरा डाल रही हूँ, देखिए मैंने एक बाउल पूरा डाल दिया, लगभग 300 ग्राम चने का आटा है ये। पांच प्याज को मैंने काट ली थी, देखिए अच्छे तरीके से मिक्स कीजिए, तेल भी गर्म हो चुका है। बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है और आपको घर पर ही उपलब्ध मिलेंगे सारे इंग्रेडिएंट्स। मैं जो भी जैसे भी बनाती हूँ सब कुछ घर पर ही अवेलेबल रहता है, ताकि आपको बाजार जाने की ज़रूरत नहीं रहती है, इमीडिएट बन जाती है ये। देखिए अर्शिया आकर चिल्ला रही थी, मामा बन गया क्या, बन गया क्या करके मैं बना रही थी, उसको पकौड़े खाना बहुत ज़रूरी है, उसी की फरमाइश रहती है हर बार, तो इस बार भी उसी की फरमाइश पर मैंने प्याज के पकौड़े, चलो आप लोगों को भी दिखा देती हूँ कि मेरे स्टाइल में प्याज के पकौड़े कैसे बनाते हैं करके। इसको अच्छे से गून लीजिएगा आप, गूनना मतलब आटा जैसा मत गूनिए, इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, देखिए इसको इस तरह से आप बनाइएगा। अब मैं इसमें एक स्पून पानी डालती हूँ, देखिए पानी को एक ही स्पून पानी, इससे ज़्यादा पानी आप मत लीजिएगा। बस अभी ये मिक्सचर बन चुका है हमारा, अभी देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बढ़िया है, और आप ट्राई कीजिए, बनाइए इस तरह के प्याज के पकोड़े, सर्दियों में बहुत अच्छे लगते हैं ये। आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन का सफ़र कर रहे हो, तो बहुत से लोग बाहर का खाना नहीं खाते हैं, अनहाइजीनिक रहता है करके, तो आप ये इमीडिएट बना के ले जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसको बनाने में बहुत घंटे लग जाएंगे करके, 10 से 15 मिनट बस इतने में बन जाएगा। देखिए इसको आप शेप और आकार देने की भी ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे डाल दीजिए, देखिए बस ऐसे लेते जाइए और इसको तेल में डालते जाइए, और आपके प्याज के पकोड़े बढ़िया से बन जाएंगे। कलौंजी डालना मत भूलना इसमें, अगर आपको चाहे तो आप इसमें अजवाइन भी डाल सकते हैं, मैंने डाली हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप डालिएगा। कलौंजी, शाही जीरा और नॉर्मल सी जीरा मैंने ऐड की हूँ इसमें, और इसकी इंग्रेडिएंट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप नोट करके आप बनाइएगा जरूर, और कमेंट में बताना कि आपको कैसे लगे। देखिए अच्छे से फ्राई होना है इसको, डीप फ्राई कीजिए इसको, इसको हाई फ्लेम पे ही फ्राई करना, लो फ्लेम मत करना, क्योंकि तेल सारा पकौड़ा तेल अच्छा आएगा। अच्छी तरह से इसको फ्राई कीजिएगा, इसमें थोड़ा सा ऑनियन निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं खराब होएगा, बहुत टेस्टी रहता है। देखिए मैंने इसे पहले वाला काट ली हूँ, और ये भी मैं सब कुछ मिला के एक साथ डाल दूंगी। इसे शेप डिजाइन मत दीजिएगा, ऐसे ही लेते जाइए और डालते जाइए। बस इतने सी ये है प्याज के पकोड़े की रेसिपी, बहुत झटपट सी बनती है ये। तो हम इसे अच्छे से फ्राई होने देते हैं, देखिए अच्छे से फ्राई करते जाइए इसको। ये जो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा क्लियरली, ये स्टीम है, इसकी जो भाप आती है वो कैमरे को ये करती है, इसके लिए वो आपको क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा है। मैं पता नहीं क्या बोल रही हूँ उधर पे, तो चलिए आप लोग भी इस तरह की रेसिपी बनाइए,
मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे इंस्टाग्राम पेज भी है असमास किचन 89, उसे भी फॉलो कीजिए। और अच्छे अच्छे रेसिपीज के लिए आप मुझे कमेंट कीजिएगा। ये देखिए, पता नहीं क्या बोल रही थी मैं। देखिए अच्छे से बन रहा है ये, अब फिर हम काट लेंगे। देखिए पकोड़े इस तरह से बन जाएंगे, क्रिस्पनेस देखिए इसका, अच्छे से बन रहे हैं ये। अभी हाई फ्लेम पे ही बनाइएगा आप। क्या बोल रही थी मैं, पता नहीं। फिर से अर्शिया आ गई। देखिए देखिए अर्शिया आ गई, पता नहीं अर्शिया क्या बोल रही थी। हाँ, सब्सक्राइब करने के लिए बोल रही होगी शायद। हाँ दिखा दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से हम लोग इंस्टाग्राम पे 1000 फॉलोअर्स हो चुके, तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए ये अच्छे तरीके से फ्राई हो रहे हैं, अभी इनको हम प्लेट आउट कर लेंगे। अर्शिया को मैंने टेस्ट करवाई हूँ, अर्शिया ने थोड़ा सा टेस्ट किया है। देखिए लगभग तैयार हो चुका है हमारा रास्ता, पकौड़े तैयार हो चुके हैं। देखिए अर्शिया जैसे उधर बसी हो रही है, मैं बनाती हूँ, अभी हम उसको काट लेंगे, प्लेट में लेंगे। अच्छी तरीके से बन जाएगा, आप भी ट्राई करना। पता नहीं क्या बोल रही थी मैं। इंशाल्लाह आप भी ट्राई कीजिए इस तरह के पकौड़े बनाने के लिए, बन जाएंगे। तो देखिए अर्शिया आ चुकी है, फिर मेरे ख्याल से अर्शिया सब्सक्राइब के लिए बोल रही होंगी। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलना कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। इंस्टेंट है, बहुत इजी है, बहुत बढ़िया रहेगी। इंशाल्लाह आप भी बनाइए, ट्राई तो कीजिए एक बार। असमस किचन डायरेक्ट आपकी किचन में होगी। तो देखिए हो चुका है हमारा बनाकर, अभी हम इसे प्लेट से बाहर कर लेंगे। मैं क्या इतना क्या बोल रही थी पता नहीं। खैर, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, यही बोल रही थी शायद। हाँ देखिए बनकर हमारे पकोड़े तैयार हो चुके हैं, अभी हम इसे प्लेट में काट लेंगे। मैंने गैस को कर लिया है बंद, देखिएगा हमारे पकोड़े प्याज की बढ़िया है ना। अरे वाह, बहुत अच्छे होते हैं ये, एक बार ट्राई तो कीजिए आप लोग। सारे पकौड़ों को आप एक प्लेट में काट लीजिएगा। हो गया सारा सब कुछ, मैंने तेल से बाहर काट ली हूँ। देखिए तो ये देखिए हमारे प्याज के पकोड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। ये देखिए, आ जाओ अर्शिया, अर्शिया भी आ चुकी हैं, अभी अर्शिया खाकर बोलेंगी कैसा है करके। ये देखिए मैंने शायद गर्म ही खिला दिया अर्शिया को, बिस्मिल्लाह बोलकर खा रही हैं अर्शिया। कैसे लगा बेटा? देखिए धुआं निकल रहा है इसमें से। हाँ बहुत टेस्ट रहता है ये।
इसको खाना था प्याज के पकोड़े और इसने खा लिए, और झटपट से आप भी बनाकर खाइएगा। देखिए बहुत स्वादिष्ट है, मैंने बताया था आपको, बहुत ही स्वादिष्ट रहता है। देखिए तो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए अच्छा है ना, नर्शिया को बहुत अच्छा लगा है, गर्म था शायद। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए प्याज के पकोड़े बनाने के लिए रेसिपी बहुत इजी है, आप भी ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा बनेगा आपको। आयजा बीच बीच में चिल्ला रही हैं। हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, आसमास किचन में अल्लाह हाफिज़ आसमा।